हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईएमबी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 18 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूराइन फॉर्मेशन को, इसके अलावा फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल को। आज के लेक्चर से नीट 2015 में, 16 में, 17 में और नीट 2019 में क्वेश्चन आ चुके हैं। वो सभी क्वेश्चन भी हम जो नीट के आ चुके हैं वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के साथ में। ओके, अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हो। मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि लेक्चर नंबर 2 आप जरूर देख लें, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वहां पर जो हमारे किडनी के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, और खासकर उसमें जो नेफ्रॉन वाला पार्ट है जो कि फंक्शनल यूनिट होती है किडनी के अंदर, वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज के टॉपिक के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगर आपने देखा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूराइन फॉर्मेशन को। यूराइन फॉर्मेशन जो भी यूरिन फॉर्मेशन होती है उसके अंदर मेनली 3 प्रोसेस होंगे। सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो होगा हमारा फिल्ट्रेशन, सेकंड जो प्रोसेस होगा वो हमारा होगा रीएब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड जो प्रोसेस होगा वो होगा सीक्रेशन। अब क्या होता है, कैसे होता है, समझिए। अभी तक हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था नेफ्रॉन का, तो वहां पर हमने 2 पार्ट पढ़े थे। नेफ्रॉन के अंदर 2 पार्ट पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने ग्लोमेरुलस और एक हमने पढ़ा था ट्यूब्यूल पार्ट। जो ग्लोमेरुलस पार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, एफेरेंट आर्ट्रियोल आती है, ओके, वहां पर कैपिलरीज बनती है और फिर वो वापस मर्ज होकर इफेरेंट आर्ट्रियोल की फॉर्म में आगे जाती है। तो वो सब कुछ था, वो क्या था, ग्लोमेरुलस का पार्ट था। अब जो आपकी एफेरेंट आर्ट्रियोल आ रही है उसके अंदर क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। तो जो ब्लड आ रहा है, और किडनी का काम क्या है, उसी ब्लड को प्यूरिफाई करना, ओके। तो यहां पर जो ब्लड आ रहा है किसके थ्रू, एफेरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू, तो वहां पर जो कैपिलरीज होगी उनके अंदर से क्या होगा, जो ब्लड के अंदर जो मेनली आपका प्लाज्मा है वो फिल्टर होके जाएगा ट्यूब्यूल पार्ट में, और ट्यूब्यूल पार्ट में जो भी प्लाज्मा है उसको क्या किया जाएगा, फिल्टर किया जाएगा। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे आपको पीछे वाला डायग्राम दिखाता हूँ जो मेल्फीजियन बॉडी वाला था, यहाँ पर समझिए, इस डायग्राम को अच्छे से समझिए। यहाँ पे ये जो आ रहा है ये पार्ट आपका एफेरेंट आर्टेरियल है, ये जो है वो कैपिलरीज है, और ये आपका क्या है, इफेरेंट आर्ट्रियोल है। अब यहां पर क्या होगा, जो ब्लड होगा, ब्लड के अंदर मेनली जो प्लाज्मा होगा वो यहां पर चला जाएगा आपके इस बाउमन कैप्सूल में, और बाउमन कैप्सूल से आगे चला जाएगा वो प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। अब यहां पर जो फिल्टर होगा, यहां पर जो आपका कैपिलरीज से ब्लड फिल्टर होके जो आपका इस ट्यूब्यूल पार्ट के अंदर आएगा, पहले बाउमन कैप्सूल के अंदर फिर प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर, तो यहां पर जो ये फिल्ट्रेशन वाला काम है इसी को तो हम बोलेंगे पहला प्रोसेस होता है, दैट इज फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। यानी यहां पर हम ब्लड को जो है वो फिल्टर करके यहां पर भेजते हैं नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल पार्ट के अंदर, ताकि उसको फिल्टर कर सकें और अच्छे से ब्लड को। अब यहां पर देखिए होता क्या है, यहां पर 3 कंपोनेंट होते हैं। 3 कंपोनेंट आप पूछोगे कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले यहां पर जो ये आपका एफेरेंट आर्टेरियल यानी जो ग्लोमेरुलस है उसकी जो कैपिलरीज है उसकी सबसे बिलो वाली लेयर होगी, फिर जो बाउमन कैप्सूल है उसकी भी लेयर होगी सबसे अपर वाली, और इनके बीच में एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस। तो ये 3 लेयर होगी और इनके थ्रू जो है वो ब्लड जाएगा। ये मान लीजिए हमारा क्या है, कैपिलरीज है, और इस कैपिलरीज के थ्रू होते हुए ब्लड कहाँ पर जाएगा, बाउमन कैप्सूल के अंदर जाएगा। ये चीज समझ में आ गई, ओके। अब जो ये बाउमन कैप्सूल की जो लेयर है इसके अंदर होते हैं छोटे छोटे पोर, यहाँ पर जैसे मान लीजिए एपिथीलियम के सेल्स है, ओके, तो यहाँ पर छोटे छोटे पोर होते हैं। मान लीजिए ऐसे लेयर है बनाई हुई है मैंने, ओके, ये हमने क्या बनाई है, एक लेयर बनाई है। अब यहाँ पर आपको ये देखिए पोर है जहाँ पे डायरेक्टली जो है वो एंट्री हो जाती है, तो ये जो पोर होता है इनको हम बोलते हैं पोडोसाइट, इनको क्या बोलते हैं, हम पोडोसाइट, या फिर आप बोल सकते हो स्लिट पोर, और इनके थ्रू होता हुआ जो प्लाज्मा होता है वो कहाँ पर जाता है, आपका बाउमन कैप्सूल के अंदर जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये सब कुछ इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है। तो आई होप कि जो मैंने बताने की कोशिश की वो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो अब देखिए रीड कर रहे हैं, द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व द 3 मेन प्रोसेस। 3 मेन प्रोसेस होंगे, पहला होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो ग्लोमेरुलर था जो कि आपकी ग्लोमेरुलस का जो पूरा पार्ट था वहां पर पहले फिल्टर होगा, जो प्लाज्मा का मेन जो कंपोनेंट होते हैं वो कहां पर आ जाएंगे, आपके मोस्टली जो प्लाज्मा वो कहां पर आ जाएगा, आपका ट्यूब्यूल पार्ट के अंदर आ जाएगा, तो वो होगा आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकेंड प्रोसेस होगा रीएब्जॉर्प्शन।
अब देखिए प्लाज्मा तो बहुत सारा जो है वो कहाँ पर आ चुका है आपका, मेनली जो आपका ट्यूब्यूल पार्ट के अंदर आ चुका है। और प्लाज्मा में आप समझते हो ब्लड जो है उसका 55% प्लाज्मा होता है और उसमें 90% तक वाटर होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि सारा वाटर जो है वो हम बाहर सीक्रेट कर दें, तो वहाँ पर क्या करने पड़ेगा, जो प्लाज्मा को वापिस जो उसके अंदर फूड वगैरह है कार्बोनेट वगैरह है उनको वापिस क्या करना पड़ेगा, रीएब्जॉर्प्शन करेगा, ब्लड के अंदर वापिस भेजना पड़ेगा। तो सेकेंड प्रोसेस आपका क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा। थर्ड यहां पर प्रोसेस होगा सीक्रेशन का। सीक्रेशन का मतलब क्या होता है, कुछ आयंस जो है वो ट्यूब्यूल पार्ट सीक्रेट भी करेंगे बाहर की तरफ, ताकि उससे क्या हो जाए कि जो आपकी ऑस्मोलरिटी है, जो बॉडी के अंदर जो ऑस्मोलरिटी है वो बनी रहे, तो वहां पर कुछ आयन का सीक्रेशन भी होगा। तो तीन प्रोसेस होंगे, पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड री एब्जॉर्प्शन एंड थर्ड है सीक्रेशन। समझ में आ गया, दैट टेक प्लेस इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, और तीनों अलग अलग पार्ट में होंगे। जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो मेलफीजियन बॉडी के अंदर होगा, जो री एब्जॉर्प्शन है वो मोस्टली तो आपका पीसीटी के अंदर होगा, फिर उसके बाद कहां पर होगा, हेल्ले लूप और डीसीटी के अंदर होगा। सीक्रेशन भी हमें मेनली जो है वो पीसीटी और डीसीटी वगैरह में देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले फिल्ट्रेशन वाले प्रोसेस की। जो मैंने बताया है वही यहाँ पर दिया गया है। देखिए, द फर्स्ट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। सबसे पहले हम ब्लड को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, विच इज कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर ये जो पार्ट होगा ये किसके द्वारा किया जाएगा, ग्लोमेरुलर का। और ग्लोमेरुलर के अंदर होता है क्या, जो एफरेंट आर्टरियोल आती है वो कैपिलरीज में डिवाइड होती है, वापिस मर्ज होती है, इफरेंट में बन जाती है। तो जो कैपिलरीज हो रही है वहां पर ब्लड सारा क्या होगा, फिल्टर होगा। ऑन एन एवरेज, ये जो डाटा दिया हुआ है, जो वैल्यू दी हुई है वो एज इट इज याद रखनी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया तो एज इट इज वैल्यू आएगी। ओके, ऑन एन एवरेज 1100 मिलीलीटर टू 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट, विच कंस्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन ए मिनट। बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन वाले के अंदर हमने कार्डियक साइकिल के अंदर पढ़ा था, जहां पर हमने कार्डियक आउटपुट भी निकाला था, स्ट्रोक वॉल्यूम भी निकाली थी। तो यहां पर देखिए, वहां पर हमने देखा था कि ईच वेंट्रिकल क्या करता है, 5 लीटर जो है वो ब्लड को पंप आउट कर देता है। 5 लीटर ब्लड को अगर आप मिलीलीटर में करोगे तो वो होगा आपका 5000 मिलीलीटर ब्लड। तो ये जो एक वेंट्रिकुलर होता है वो 5000 मिलीलीटर पर मिनट जो होता है वो क्या कर देता है, पंप कर देता है ब्लड को। पर यहां पर जो किडनी में जो फिल्टर हो रहा है ना, वो कितना हो रहा है, वो केवल हो रहा है 1100 टू 1200 मिलीलीटर, यानी इसका केवल 1/5 पार्ट जो है वो क्या हो रहा है, यहां पर फिल्टर हो रहा है, यानी ट्यूब्यूल पार्ट के अंदर जो जा रहा है। अब ऐसा क्यों है, तो सबसे पहली बात, सारा ब्लड फिल्टर नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, केवल जो प्लाज्मा वगैरह है मेनली वो कंपोनेंट ही ट्यूब्यूल पार्ट में आ रहे हैं, आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स वगैरह वहां पर नहीं आ रहे हैं। इस पॉइंट को भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो मैंने आपको तीन लेयर बताई थी उनकी बात करेंगे, और कैसे फिल्ट्रेशन होता है, क्या पोडोसाइट वगैरह होती है उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, द ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ग्लोमेरुलर कैपिलरी किसकी बात करा है, जो एफरेंट आर्टरियोल आई थी उसके बाद जो कैपिलरीज डिवाइड हुई थी उनकी बात करा है। कैपिलरी ब्लड प्रेशर कोज द फिल्टर ऑफ द ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। तो यहाँ पर जो है वो ग्लोमेरुलर जो कैपिलरीज है वहाँ पर ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है, वहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। जो फिल्ट्रेशन होता है वह 3 लेयर प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी, ध्यान से देखना, द एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल। तो यहाँ पर जो आपका ग्लोमेरुलर जो कैपिलरीज आ रही है उसमें एपिथीलियम एंडोथीलियम, यहाँ पर ये जो एंडोथीलियम है ये इनसाइड में जो बाउमन कैप्सूल की तरफ है, ये मान लीजिए बाउमन कैप्सूल का लेयर है, तो यहाँ पर ये जो इस साइड है ना इसको हम बोलते हैं, इस लेयर को क्या बोलेंगे, हम एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल बोलेंगे। सेकंड क्या, द एपिथीलियम ऑफ द बाउमन कैप्सूल, ये जो आपका बाउमन कैप्सूल है ये ऐसे होगा, ओके तो यहाँ पर ये जो इसकी साइड है कैपिलरीज की साइड में ये एपिथीलियम हो गई। तो एक तो आपका ये एंडोथीलियम हो गया, एंडोथीलियम किसकी है, ग्लोमेरुलर वाले की, और ऊपर जो लेयर है अपर लेयर जो है वो बाउमन कैप्सूल की, तो वो क्या होगी, एपिथीलियम बाउमन कैप्सूल की हो गई। और इनके बीच में एक लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड ए बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज टू लेयर, और इनके बीच में होती है एक बेसमेंट लेयर, तो टोटल 3 लेयर होती है। ऐसा ही सेम 3 लेयर हमने पढ़ा था एल्वियोलाई के अंदर, जहां पर हमने देखा था कि जहां पर एक्सचेंज हो रहा है एल्वियोलाई के अंदर और ब्लड कैपिलरीज के अंदर, वहां पर भी हमने 3 चीजें पढ़ी थी कि आपकी जो एल्वियोलाई है उसके एंडोथीलियम, एपिथीलियम ऑफ द कैपिलरी, और उनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी बेसमेंट सबस्टांस वगैरह हमने पढ़े थे। वह ये उसी से रिलेटेड कुछ यहां पर भी ये 3 लेयर है, ओके तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि जो आपकी एपिथीलियम लेयर होती है जो बाउमन की, उसके अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं, जो एपिथीलियम होती है उसमें जो एपिथीलियल सेल्स होते हैं वो एक बार इकट्ठे होते हैं, फिर छोटी सी जगह होती है, फिर वो सारे इकट्ठे होते हैं,
ओके, और फिर वो थोड़ी सी जगह होती है, फिर वो सारे इकट्ठे होते हैं सेल्स, तो ऐसे लेयर बनती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये मैं बाउमेन की बता रहा हूँ, तो ये जो है वो पोर है, जगह है सिंपल, तो इन्हीं को बोला जाता है पोडोसाइट। देखिए, द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द बाउमेन कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट, तो यहाँ पर ये पोडोसाइट है, आर अरेंज इन इन इंट्रीकेट मैनर सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट पोर। तो यहाँ पर ये क्या है, स्लिट पोर है, यहाँ पर इनको पोडोसाइट बोला जाता है, जो यहाँ पर आपकी क्या है, जो एपिथीलियम लेयर के जो सेल्स हैं उनको पोडोसाइट बोला जाता है, और वहाँ पर जो स्पेस है उसको क्या बोला जाता है, फिल्ट्रेशन स्लिट या फिर स्लिट पोर इनको बोला जाता है। तो ये स्लिट पोर के थ्रू जो है वो आ जाता है। नीट 2019 में हम ये क्वेश्चन करेंगे, आपका आएगा ये क्वेश्चन, याद रखना, मैच द कॉलम में, तो वह मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बात करते हैं। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स दैट ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूट ऑफ द प्लाज्मा, ये इंपॉर्टेंट है, जो प्लाज्मा का जो कंस्टिट्यूट है, मेनली सारा प्लाज्मा का कंस्टिट्यूट चला जाता है, एक्सेप्ट द प्रोटीन दैट पास ऑन टू द ल्यूमन ऑफ द बाउमेन कैप्सूल। अब प्रोटीन्स होती है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अंदर, हमने अलग अलग प्रोटीन्स पढ़ी थी, फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन वगैरह, जो कि आपके 7-8% होती है, और 90% जो होता है वो वाटर होता है। तो वहाँ पर वो जो प्रोटीन होती है वो नहीं जाती है फिल्टर होके, मेनली जो बाकी कंपोनेंट होते हैं, जो कि आपके ग्लूकोज वगैरह हो गए जो प्लाज्मा में डिजोल है, जो वाटर हो गया, जो कार्बोनेट वगैरह हो गए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे चलती है, कार्बोनेट की फॉर्म के अंदर, तो वो कार्बोनेट वगैरह आयन हो गए, तो वो चीज़ें जो होती है वो फिल्टर होके कहाँ पहुँच जाती है, बाउमेन कैप्सूल के अंदर पहुँच जाती है, और इसी फिल्टर को बोला जाता है, देयरफॉर इट इज़ कंसिडर्ड एज द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, सिंपल सा होता है, जो आपकी ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है उसके अंदर जो कैपिलरीज है, वहां से ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है उसका कंपोनेंट फिल्टर होता हुआ उन मेम्ब्रेन्स के थ्रू कहां पहुंच जाए, बाउमेन कैप्सूल के अंदर पहुंच जाए, तो उसी को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन चल रहा है, इसका अमाउंट होता है कुछ, देखिए यहां पे लिखा है, द अमाउंट ऑफ द फिल्टर्ड formed by the kidney per minute is called the glomerular filtration rate, that is GFR. GFR in a healthy individual is approximately 125 milliliter per minute, that is 180 liter per day. ये GFR क्या होता है, देखिए सिंपल सा है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारी capillaries वाला जो है वो आपका पार्ट है, ओके, यहाँ पर ये जो हमारा glomerulus पार्ट है, और ये हमारा क्या है, बाउमेन कैप्सूल है, और उसके बाद ये क्या है, हमारा ट्यूब्यूल वाला पार्ट है। अब समझिए, जो ब्लड, जो प्लाज्मा का पार्ट यहाँ पर फिल्टर होके आ चुका है, यहाँ पर जो ब्लड का, यानी जो मेनली आपका प्लाज्मा का जो पार्ट है, वो जो फिल्टर होके बाउमेन कैप्सूल में आ रहा है, वही आपका कहलाएगा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। अब रेट का मतलब हो गया, कोई भी चीज़ जो फिल्टर हो रही है अपॉन में टाइम, यानी कितने टाइम में कितना ब्लड जो है आ रहा है, तो वो रेट हो जाता है, ओके। तो यहां पर ये क्या हो गया, GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो गया, यानी वो कितने टाइम में कितना ब्लड आ रहा है, तो वो एक रेट कहलाता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का रेट क्या है इन एन हेल्दी इंडिविजुअल इज 125 मिलीलीटर पर मिनट, यानी एक मिनट में यहां पर 125 मिलीलीटर जो है वो ब्लड का पार्ट जो है वो आपके बाउमेन कैप्सूल के अंदर आ जाता है। अगर कंप्लीट डे के अंदर देखें तो 180 लीटर पर डे होता है, वो पहले AIPMT में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसको भी याद रखना कि GFR कितना होता है पर डे, 180 लीटर, और आपका पर मिनट कितना होता है, 125 होता है। अगर आपसे ये पूछ लिए 1 आवर में कितना होता है, तो 1 आवर में कितनी मिनट होगी, 60 मिनट होगी, तो वो भी आप निकाल लेना 125 मल्टीप्लाई 60 करके, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए तो ये मत बोलना कि पता नहीं कहीं से भी आ गया ये। तो और इसकी शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना, GFR क्या होता है आपका, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है, जो कि 125 मिलीलीटर पर मिनट होना चाहिए, ये कई बार कम हो जाता है, मतलब वहाँ पर अच्छे से ब्लड प्रेशर नहीं है या अच्छे से ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, तो ये 125 मिलीलीटर पर मिनट से कई बार ये ऐसा भी हो सकता है कि 100 मिलीलीटर पर मिनट चला जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर GFR डाउन आ चुका है, 125 से क्या आ चुका है, 100 पे आ चुका है, तो इस टाइम पे वहां पर होती हैं JG सेल्स, और वो JG सेल्स क्या करते हैं, रेनिन को सीक्रेट करते हैं। अब ये JG सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेचेस, इसको भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, डायग्राम से जो NCERT में दिया उससे बताने की कोशिश करता हूँ, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा।
यहाँ पर देखिए नेफ्रॉन का पार्ट है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये है एफरेंट आर्टियोल, यहाँ पर इन्होंने प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल दिया है, यहाँ पर इन्होंने डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल दिया, यहाँ पर वासा रेक्टा, यहाँ पर हेलेलू। ये जो एफरेंट आर्टियोल है ये यहाँ पर इन्होंने इतना ही दिखाया, बट एक्चुअल में अगर मैं इसको पीछे करूँ और पीछे करूँ और पीछे करूँ तो यहाँ पर ये पीछे से यहाँ पर ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, देखिए ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, इसके साथ ये अटैच होता हुआ आता है, यहां पर ये जंक्शन बनाता है कौन, आपका एफरेंट आर्टियोल। ये एफरेंट आर्टियोल यहां पर दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला जो पोजीशन है यहां पर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के साथ एक जंक्शन बनाता है, यहां पर अटैच होता है और यहां से ये फिर आगे जाता है बाउमन कैप्सूल की तरफ। तो यहां पर जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के साथ जो आपका एफरेंट आर्टियोल जहां पर अटैच हो रहा है, जहां पर जंक्शन बन रहा है, उसको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपर्चर। इसको क्या बोल दिया जाता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपर्चर। समझ में आ गया? हाँ, तो यहाँ पर जो क्या होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपर्चर होता है और उसकी वजह से वहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो सीक्रेट करते हैं रेनिन को, और वो क्या करता है, जो आपका 100 मिलीलीटर पर मिनट पर आ चुका है उसको वाइप पीस जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देगा। नहीं समझ में आया, देखिए एनसीईआरटी पढ़ेंगे वापस सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिए द किडनीज हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट दैट इज GMFR, जो कि आपका 125 मिलीलीटर पर मिनट होना चाहिए। वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय द जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपर्चर्स दैट इज JGA। दोनों शॉर्ट फॉर्म ध्यान से याद रखना, GFR का मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, JGA का मतलब होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपर्चर्स। अब ये JGA जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपर्चर्स क्या होता है, देखिए JGA is a special sensitive region formed by the cellular modification in the distal convoluted tubule and the afferent arteriole at the location of their contact। तो मैंने अभी अभी बताया था जो distal convoluted tubule होता है उसके साथ आपका afferent arteriole ऐसे अटैच होता है, यहाँ पर एक जंक्शन बनाता है, यहाँ पे कुछ सेंसिटिव सेल्स होती हैं, उन्हीं को बोला जाता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपर्चर्स। ये सीजन आपको समझ में आ गया, यही इन्होंने की बताया है। तो जैसे ही GFR यानी आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा, फॉल का मतलब क्या है, कम होगा, कैन एक्टिवेट द GJ सेल्स। तो यहाँ पर जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपर्चर्स के पास जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, टू रिलीज रेनिन which can stimulate the glomerular blood flow and thereby the GFR back to the normal। तो मैंने अभी बताया था कि मान लो 125 से 100 मिलीलीटर पर मिनट हो गया है तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये रेनिन सीक्रेट होगा और ये 100 से वापस ले आएगा 125 पे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पर ये जो रेनिन है ये क्या करता है, आपका GFR को जो वो इंक्रीज करता है वापस नॉर्मल कंडीशन पे लेके आता है। बट एक रेनिन हमने और भी पढ़ा था, RENNIN हमने प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पढ़ा था, जो कि आपका कहाँ पर होता है, जो बेबी होता है छोटा उसके अंदर होता है, ओके, और वो मिल्क डाइजेशन में मदद करता है। तो ये नाम दोनों ही रेनिन आते हैं बोलने के लिए, बट RENNIN अगर आ गया तो वो प्रोटियोलाइटिक वाला होता है, जो कि आपका प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है, सिंगल एन वाला यहाँ पर। तो ये भी आप डिफरेंस याद रखना, जो चीज़ें पढ़ रहे हो उसको अच्छे से याद रखना। यहाँ तक हमने बात की है अभी तक केवल और केवल जो हमारा फिल्ट्रेशन वाला काम था। तो मैंने आपको बताया था कि यूरिन फॉर्मेशन के अंदर तीन प्रोसेस होते हैं, पहले होता है फिल्ट्रेशन, फिर होता है रीअब्जॉर्प्शन, फिर होता है सीक्रेशन। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ है, क्या जो आपका फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस था उसके अंदर हमने फिल्ट्रेशन देखा कहाँ पर होता है, कैसे होता है, वो कितने टाइम पे कितना होता है, उसकी रेट क्या होती है, और अगर वो कम हो जाए तो उसको बढ़ाया कैसे जाता है। अब हम बात करेंगे रीअब्जॉर्प्शन के बारे में। तो अभी तक आपने ये देखा था कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो आपका पर डे 180 लीटर है। तो एक कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेशन फॉर्म पर डे इज 180 लीटर पर डे। इसका मतलब क्या है कि जो आपका ब्लड का जो या फिर जो आपका प्लाज्मा का जो कंपोनेंट है वो पर डे 180 लीटर जो है वो नेफ्रॉन के अंदर जो ट्यूब्यूल वाला पार्ट होता है आपका PCT, हेले लूप, DCT उसके अंदर जाता है। बट जो आप यूराइन रिलीज करते हो वो कितना करते हो पूरे दिन में, विद दैट ऑफ द यूरिन रिलीज 1.5 लीटर एवरेज, मतलब एवरेज 1 से 2 लीटर के बीच में आपकी एवरेज रहती है यूरिन रिलीज करने के लिए। बट जो ट्यूब्यूल में गया था वो 180 लीटर गया था, बट आपने यूरिन रिलीज किया है 1.5 लीटर, इसका मतलब क्या है, बाकी आपका 99% जो है वो वापस रीअब्जॉर्ब हो गया। अब प्लाज्मा के अंदर 90% होता क्या है, वाटर होता है, तो वाटर क्या करना पड़ेगा, रीअब्जॉर्ब करने का, सारा वाटर तो हम बाहर रिलीज नहीं कर सकते,
तो यही है, सजेस्ट दैट नियरली 99% ऑफ द फिल्टर दैट हैज टू बी रीअब्सॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूबुल्स। रीनल ट्यूबुल्स में आपका पीसीटी आ गया, आपका एलएलओ आ गया, डीसीटी आ गया। ओके, तो यहां पर मेनली पीसीटी और डीसीटी मेनली क्या करेंगे, रीअब्सॉर्प्शन का काम करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्सॉर्प्शन, और वही रीअब्सॉर्प्शन कहलाता है, यानी जो हमने जो ट्यूब्यूल के अंदर जो रिलीज किया है उसको वापिस ब्लड के अंदर लेके आना, उसको क्या कहलाते हैं, रीअब्सॉर्प्शन कहलाते हैं। द ट्यूबुलर एपिथीलियम सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन परफॉर्म दिस आइदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। तो ये जो रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस है वो दोनों तरह से हो सकता है, एक्टिव यानी जिसमें एनर्जी कंजम्पशन होगा, और पैसिव यानी डिफ्यूजन वाला प्रोसेस होगा, डायरेक्ट हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन भी हो जाएगा। अब कौन कौन सा एक्टिव और कौन कौन सा पैसिव, ये भी बहुत अच्छे से याद रखना। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, सब्सटांस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम आयन एक्सेट्रा इन द फिल्ट्रेट आर एब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिवली। तो जो आपका ग्लूकोज है, क्योंकि देखिए जो आपका ब्लड है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा के अंदर जो आपने फूड डाइजेस्ट किया वो ग्लूकोज तो होगा ही होगा, प्रोटीन वगैरह के लिए अमीनो एसिड भी होंगे, सोडियम आयन वगैरह भी होंगे और कुछ भी होंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो आपका रीअब्सॉर्ब हो रहा है। ओके, और वो कैसे रीअब्सॉर्ब हो रहा है, वो एक्टिवली हो रहा है, मतलब वहाँ पर एनर्जी कंजप्शन करके उसको रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं, बट कर रहे हैं। वेयर इज द नाइट्रोजिनस वेस्ट, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है जो हमें बाहर बॉडी से रिलीज करना है, उसको ज्यादा नहीं होता है, वो पूरा का पूरा रीअब्सॉर्ब नहीं होता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, बस कुछ एक पॉइंट हमें रीअब्सॉर्ब करना पड़ता है। वेयर इज द नाइट्रोजिनस वेस्ट आर एब्सॉर्ब बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो वो कैसा होता है, पैसिव से होता है, और प्लाज्मा के अंदर मेनली आपका क्या होता है, वाटर होता है, तो वाटर को अगर हम एक्टिवली रीअब्सॉर्ब करने लगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, तो एक्टिव को वाटर को भी कैसे रीअब्सॉर्ब करेंगे, पैसिवली। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो अकर पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन का मतलब हो गया जो पहले नेफ्रॉन के अंदर पहले पार्ट आ जाते हैं, जैसे आपका प्रोक्सिमल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल है, और मोस्ट ऑफ द रीअब्सॉर्प्शन जो होगा वो केवल और केवल इसी का होगा, चाहे वो आपका ग्लूकोज हो, एमिनो एसिड हो, सोडियम आयन हो, चाहे आपका नाइट्रोजनस वेस्ट हो, या फिर आपका वाटर, इसमें मोस्ट जो है वो रीअब्सॉर्प्शन कहाँ पर हो जाएगा, इसी इनिशियल सेगमेंट के अंदर हो जाएगा। इस इनिशियल सेगमेंट क्या होता है, आपका पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोलुटेड, यानी जो पहले पार्ट आ रहा है सेगमेंट के अंदर। ओके, तो ये हम डायग्राम भी देखेंगे 19.5, बट उससे पहले ये जो हम पढ़ लेते हैं, अब हम पढ़ लेते हैं सीक्रीशन क्या होता है। देखिए, ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन, यहां पर हमारे दो पार्ट हो चुके हैं, पहला हमारा फिल्ट्रेशन, सेकंड रीअब्सॉर्प्शन, हम बता चुके हैं। अभी जो किस पार्ट में किस चीज का रीअब्सॉर्प्शन होता है वो हम फंक्शन में बताएंगे, बट मैंने आपको बता चुका हूं, अब थर्ड हम बताने वाले सीक्रीशन। ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल सीक्रेट सब्सटेंस लाइक हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड अमोनियम आयन इनटू द फिल्ट्रेट। तो कुछ आयन जो है वो बाहर भी सीक्रेट किए जाते हैं। ओके, वो क्यों किए जाते हैं, ट्यूबुलर सीक्रेशन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन एज इट इज हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द आयोनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूड। तो हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर हमें आयोनिक, एसिड, बेस और इन सब चीज़ों को जो बैलेंस करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम और एमोनियम आयन वगैरह भी जो है वो बाहर सीक्रेट किए जाते हैं। अब जो डायग्राम दिया हुआ है वो अगर आपको इतना अच्छे समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, ये आपका प्रोक्सिमल कन्वोलुटेड ट्यूबुल पार्ट है। ओके, यहाँ पर ये पूरा हैंडल है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये है आपका कॉर्टेक्स और यहाँ पर ये है आपका मेडुला। तो मैंने आपको बताया था ना कि आपका देखिए प्रोक्सिमल कन्वोलुटेड ट्यूबुल, आपका बाउमन कैप्सूल, आपका डिस्टल कन्वोलुटेड ट्यूब, ये सब कहाँ पर होगा, आपका कॉर्टेक्स वाले रीजन में होगा। तो ये एक लेयर है, इससे ऊपर वाला रीजन कॉर्टेक्स है और नीचे वाला रीजन आपका मेडुला है। तो मेडुला में हमने बात की ना, यहाँ पे हेलेज लूप होगा। ओके, तो यहां पर देखिए हो क्या रहा है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर सबसे पहले जो रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, यहां पर ये अपर एयर ऑन है वहां पर रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, आपका हाइड्रोकार्बोनेट जो सॉरी कार्बोनेट आयन हो रहे हैं, NaCl हो रहा है, वाटर हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स हो रहा है, पोटेशियम आयन हो रहा है, ये सब क्या हो रहे हैं, रीअब्सॉर्प्शन हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ सीक्रेशन भी हो रहा है, जैसे हाइड्रोजन आयन वगैरह जो है, ओके, आपका एमोनिया वगैरह जो है वो सीक्रेट भी हो रहे हैं। डिस्टिल में भी ये हो रहा है, NaCl, H2O, HCO3, ये क्या हो रहे हैं, वहाँ पर वापस क्या हो रहे हैं, रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, जबकि पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन क्या हो रहे हैं, यहाँ पर सीक्रेट हो रहे हैं। ओके, क्यों, क्योंकि ये बैलेंस बना के रखते हैं ना बॉडी में। ओके, जो बॉडी पूरा फ्लूड होता है उसके अंदर आपका एसिड बेस भी तो बना के रखना है, तो उसमें आपके जो हमें अभी तो पढ़ा था क्या, क्योंकि पोटेशियम और जो आपका हाइड्रोजन आयन होता है वो सीक्रेट भी होते हैं। इसके अलावा ये आपका क्या है, हेनले लूप है, और वहां पे हमने पढ़ा था डिसेंडिंग लिंप ऑफ हेनले और असेंडिंग लिंप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग के अंदर जो होता है वो क्या होता है,
डिसेंडिंग अंतर जो आपका सोडियम वगैरह जो आयन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसके लिए पूरी तरह से इम्परमिएबल होता है। केवल और केवल जो वाटर होता है उसके लिए परमिएबल हो सकता है। तो वहाँ पे कुछ वाटर जो वो बाहर सीक्रेट भी होता है, कुछ एब्जॉर्ब भी होता है। और ये जो आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये जो है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, बट इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होता है। तो वहाँ पर वाटर नहीं निकल सकता किसी भी हाल में। तो यहाँ पर देखिए NaCl वगैरह जो है वो बाहर सीक्रेट हो रहे हैं। अभी यहाँ पर क्यों सीक्रेट हो रहे हैं, क्योंकि हमें जो है वो ऑस्मोलरिटी को भी तो मेंटेन करना है, इसीलिए यहाँ पर ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जो है वो भी सीक्रेट हो रहे हैं। इसके अलावा फिर आ जाती है कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट से भी काफ़ी अमाउंट में जो वो H2O को रीअब्जॉर्ब किया जाता है, और कुछ यूरिया भी सीक्रेट की जाती है यहाँ पर मेडुला के अंदर, क्योंकि ये भी आपका वही करेगी, मेडुला के अंदर जो है वो ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करेगी। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ है। ओके, तो चलिए यहाँ से जो है अब हम बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ द ट्यूबुल। तो यहाँ पर आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, फिल्ट्रेशन का समझ में आ गया होगा आपको, रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन। अब फंक्शन देख लेते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोलुटेड ट्यूब, हेनले लूप, डिस्टिल का और कलेक्टिंग डक्ट का, सभी का। अब इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो सारा इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे आए हुए हैं। ओके, बट इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला नहीं है ये, अभी थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। अब आपको ये पता हो जाना चाहिए कि PCT पार्ट कहाँ है, हेनले लूप कहाँ है, डिस्टिल कहाँ है। अभी हमने दो दो बार जो वो डायग्राम भी देख चुके हैं। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के अंदर होता क्या है, ध्यान से याद रखना। PCT इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। सबसे पहले तो ये याद रखो, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और इसका क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस करवाया, कहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल है वहां पर एपिथेलियल जो टिश्यू है वहां से रिलेटेड हमने ये क्वेश्चन डिस्कस करवाया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होते हैं सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होती है, विच इंक्रीज द सर्फेस एरिया। क्योंकि यहाँ पर ब्रश बॉर्डर है तो उसकी वजह से सर्फेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा। नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड 70-80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान से याद रखना, सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन से हो गए, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ये नियरली लगभग लगभग सारे के सारे कहाँ पर ये अब्जॉर्ब हो जाते हैं, PCT के अंदर। और 70-80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा हो गया, जैसे आपका सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ये कहाँ पर हो जाते हैं आपके रीअब्जॉर्ब, नियरली 70-80% जो वो PCT में रीअब्जॉर्ब हो सकते हैं। एंड वॉटर आर रीअब्जॉर्ब बाय दिस सेगमेंट, और इसके अलावा बहुत अमाउंट में वॉटर भी रीअब्जॉर्ब होता है। PCT also help in to maintain the pH. अब ये भी याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये भी जो है वो हाइड्रोजन आयन और आपका पोटेशियम आयन वगैरह भी तो सीक्रेट करेगी, तो इसी वजह से PCT जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है वो भी आपके pH में और आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूड में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है। क्यों, बाय द सेलेक्टिव सीक्रीशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन, एमोनियम एंड पोटेशियम आयन इन टू द फिल्ट्रेन एंड बाय रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोनेट फ्रॉम इट। अब ये कार्बोनेट कहाँ से आ गया, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए, जहाँ पर हमने जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला चैप्टर था वहाँ पे हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ी थी, और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ी थी। तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, कार्बोनेट आयन की फॉर्म में होती है। तो वो वही वाला है, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के अंदर है, और अगर वो ब्लड के अंदर है और उसको वहाँ पर पहुँचाना है तो वो किस फॉर्म में होती है, कार्बोनेट आयन की फॉर्म में होती है। तो ये वो चीज़ है, तो इसमें आप कन्फ्यूज मत होना कि ये कार्बोनेट आयन वगैरह कहाँ से आ गए। ओके, तो इन चीज़ों का क्या होता है, सीक्रेशन भी होता है और बाय एब्जॉर्प्शन भी होता है, जो कार्बोनेट आयन होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन भी होता है। एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन आएंगे मैं डिस्कस सारे करवाऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हेनले लूप की। हेनले लूप में क्या होता है, देखिए रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम, क्योंकि देखिए यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन वगैरह ज़्यादा नहीं होता, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है आपका PCT के अंदर, सबसे ज़्यादा होता है, कुछ आपका DCT के अंदर होता है, और वॉटर जो होता है वो कुछ आपका कलेक्टिंग डक्ट के अंदर होता है। इन इट्स असेंडिंग लिंप ऑफ, तो यहाँ पर जो रीअब्जॉर्प्शन है वो बहुत ही कम है, किसके अंदर, जो आपका असेंडिंग लिंप, असेंडिंग लिंप कौन सी, जो ऐसे ऊपर उठती है, डिसेंडिंग पहले फिर असेंडिंग। However, this region play an significant role in the maintenance of the high osmolarity of the medullary interstitial fluid. तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती है osmolarity को मेंटेन करने के लिए, मेडुला के अंदर कितनी osmolarity रहेगी। आगे जब हम यूरिन कंसंट्रेशन पढ़ेंगे ना, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, वहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाला चीज़। ओके, तो वहाँ पर osmolarity देखोगे नीचे जाएगी तो बढ़ेगी, तो वो चीज़ आप याद रखना। द डिसेंडिंग लिंप, बहुत ही स्टार लगा देता हूँ, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है तो यहाँ पे इसको बहुत ही अच्छे से याद रखना।
द डिसेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वॉटर बट ऑलमोस्ट इमपरमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। यानी जो डिसेंडिंग लिंप है जो नीचे जाती है वहां पर वो वॉटर के लिए तो परमिएबल है, मतलब वॉटर को तो परमिशन देगी, पर इमपरमिएबल मतलब उसको परमिशन नहीं देगी किसको, इलेक्ट्रोलाइट। याद रखने का तरीका है डाई, डी से आप याद रख लीजिए डिसेंडिंग लिंप, डी से आप याद रख लीजिए डिसेंडिंग लिंप, आई से आप याद रख लीजिए इमपरमिएबल और ई से याद रख लीजिए इलेक्ट्रोलाइट। तो जो डी से डिसेंडिंग लिंप जो है वो आई से इमपरमिएबल है, ई से इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हो असेंडिंग डिसेंडिंग कौन सा इम्परमिएबल है किसके लिए, तो बस आप सिंपल सा एक याद रख लीजिए, जो डिसेंडिंग लिंप है वो इम्परमिएबल होगी इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो परमिएबल हो जाएगी वाटर के लिए। तो वो जो आपकी असेंडिंग वाली है अगर वो आपकी इम्परमिएबल होगी वो सॉरी परमिएबल होगी इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो वाटर के लिए आपकी क्या हो जाएगी, इम्परमिएबल हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप इतना याद रख सकते हो, अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हो तो बस आप डाई से याद रखना कि डिसेंडिंग लिंप जो वो इम्परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, बाकी सारा ऑपोजिट हो जाएगा खेल। देखिए, दिस कंसंट्रेट द फिल्टर एज इट मूव डाउन, द असेंडिंग लिंप इज इम्परमिएबल टू वॉटर। इंपॉर्टेंट है, देखो यहां पर जो डिसेंडिंग थी वो परमिएबल थी, बट यहां पर देखो पूरा ऑपोजिट हो गया है ना, जो आपकी असेंडिंग है वो क्या हो गई, इम्परमिएबल हो गई। बट अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, अलाउ कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर ही पहले ही इम्परमिएबल थी, डिसेंडिंग वाली तो इम्परमिएबल थी बट असेंडिंग वाली यहाँ पर क्या हो गई, परमिएबल हो गई। तो अगर आपको ये याद रह गया कि डिसेंडिंग जो है वो इम्परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट के लिए और तो परमिएबल किसके लिए होनी है, वाटर के लिए, तो असेंडिंग वाली जो है वो क्या हो जाएगी, इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी। ओके, एक्टिवली और पैसिवली, यहाँ पर जो है वो एक्टिव और पैसिव दोनों तरह से जो है वो क्या हो सकता है, आपका रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है। देयरफॉर As the concentrated filtration pass upward, it gets dilute due to the passage of the electrolyte to the medullary fluid. तो जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा जो फ्लूड है वो डाइल्यूट होता जाएगा। चलिए अब हम बात करने वाले हैं डिस्टिल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल के बारे में। डिस्टिल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है, DCT के अंदर क्या होता है, द कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि वो हर टाइम रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं करता है, बट कुछ ऐसी कंडीशन आ गई जब उसको रीअब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा, मतलब अच्छे से PCT पूरा अच्छा रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाया, तो वहाँ पर जो है वो क्या करेगा, डिस्टिल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्ब करेगा। बट मोस्टली जो आपका 70-80% है वो केवल PCT ही आपका क्या कर देगा, रीअब्जॉर्ब कर देगा, बट कुछ बच जाए तो वो आपका डिस्टिल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्ब करेगा, किसको, सोडियम आयन को एंड वाटर को, टेक प्लेस इन दिस सेगमेंट। DCT is also capable of reabsorption of carbonate. तो यहाँ पर जो है वो DCT carbonate को भी reabsorb करने की capability रखता है। इसके अलावा selective secretion of the hydrogen and potassium ion and ammonium to maintain the pH of the potassium balance in the body. तो जो PCT में आपका क्या होता है, secretion होता है, बट यहाँ पे भी selective secretion है, मतलब बहुत ज़्यादा secretion यहाँ पे नहीं होता, mostly जो secretion और absorption का काम है वो PCT का होता है। DCT में कुछ amount में secretion होता है, वही आपके same ion है, hydrogen, potassium, ammonia और आपका ammonia ion है, और sodium, potassium balance भी बनाए रखती है और pH भी बनाए रखती है। ओके, ये देख लीजिए, अभी भी आपको असेंडिंग डिसेंडिंग लिंप जो है वो डाई है, डाई का मतलब डिसेंडिंग लिंप जो है वो इम्परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट को, यहाँ पे देखो केवल वाटर बाहर आ सकता है, वाटर अंदर जा सकता है, बट आपका जो है वो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर नहीं जा सकता, बट इसका बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर है, यहाँ पर असेंडिंग में जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है, वाटर के लिए इम्परमिएबल है, तो ये पॉइंट भी आप देख सकते हो। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कलेक्टिंग डक्ट को। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में डिफरेंस याद रखना, यहाँ पर हम कलेक्टिंग डक्ट की बात कर रहे हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की बात नहीं कर रहे हैं, तो डक्ट याद रखना, एक 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 वर्ड इंपॉर्टेंट है, डक्ट याद रखना। कलेक्टिंग डक्ट की बात करें, द लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला, कॉर्टेक्स से लेकर मेडुला तक जाती है। लार्ज अमाउंट ऑफ वॉटर कुड बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस ए कंसेंट्रेटेड यूराइन। कंसेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, कंसेंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब वो होता है जहां पर सॉल्वेंट अधिक मात्रा में हो, वेयर द सॉल्वेंट इज मोर अमाउंट, तो जहां पर सॉल्वेंट ज्यादा होगा और सॉल्वेंट आपका कौन सा है, वॉटर है, तो वहां पर इसको कंसेंट्रेटेड कैसे करेंगे, जो आपका सॉल्वेंट है उसको निकाल लीजिए, और कंसेंट्रेटेड वो होता है जहां पे सॉल्यूट हाई एयर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हमें कंसेंट्रेटेड करना है तो सॉल्यूट ज्यादा होने चाहिए,
सोल्यूट ज्यादा होने चाहिए, तो सॉल्वेंट को बाहर निकाल लीजिए। और यहाँ पर सॉल्वेंट की तरह कौन वर्क कर रहा है? वाटर। तो वाटर को अगर जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा हम एब्जॉर्ब करते जाएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा कंसेंट्रेटेड होता जाएगा, क्योंकि वहां पर सॉल्वेंट कम होता जाएगा, सोल्यूट बढ़ता जाएगा। दिस सेगमेंट अलाउ द प्रोसेस ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। अब ये देखो, कुछ अमाउंट में यूरिया वापिस मेडुला के अंदर भेजेगा इनटू द मेडुलरी इंटरस्टीशियम टू कीप अप द ऑस्मोलिटी, ऑस्मोलिटी को मेंटेन करने के लिए। इट ऑल्सो प्ले एन रोल ऑफ मेंटेनिंग ऑफ द पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी बाय सेलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन। यहां पर ये क्या करे, सेलेक्टिव सीक्रेशन करिए हाइड्रोजन और पोटेशियम का। तो याद रखना, पीसीटी भी करती है पीएच को मेंटेन करने के लिए इन चीजों का, हाइड्रोजन और पोटेशियम का। आपका डीसीटी भी करती है, बट डीसीटी में अमोनिया भी सीक्रेट होता है NH3, वो यहां पर नहीं दिया हुआ इन्होंने। जो एनसीईआरटी ने नहीं दिया तो नहीं दिया, सिंपल याद रखो। ओके, कार्बोनेट इन्होंने नहीं दिया है HCO3 में, यहां पर इसका कार्बोनेट का भी नहीं दिया है, ना ही इसका अमोनिया का दिया, केवल हाइड्रोजन और पोटेशियम बताया। तो हाइड्रोजन और पोटेशियम याद रखना है आपको, इसीलिए एनसीईआरटी लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड इंपॉर्टेंट होती है। इनका एब्जॉर्प्शन किया जाता है ताकि वही आपकी ऑस्मोलिटी और पीएच वगैरह जो मेंटेन रह पाए। तो अब यहां से जो क्वेश्चन आए हुए वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो नीट 2015 ईयर आपकी स्क्रीन पर। रिमूवल ऑफ द प्रॉक्सिमल कन्वोलेटी ट्यूब्यूल फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन। अगर आप नेफ्रॉन में से पीसीटी को रिमूव कर देते हो तो क्या होगा? नो चेंज इन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द यूरिन, नो यूरिन फॉर्मेशन, मोर डाइल्यूटेड और मोर कंसेंट्रेटेड। पीसीटी में 70-80% रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, अभी अभी आपको बताया था कि सॉल्वेंट को निकाल लो, और अगर ज्यादा से ज्यादा सॉल्वेंट को निकाल लोगे तो उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, वो कंसेंट्रेटेड होता जाएगा। बट अगर पीसीटी नहीं होगा, इन्होंने कहा रिमूवल ऑफ द पीसीटी, अगर हम पूरा प्रोक्सिमल कन्वोलिटी ट्यूबुल को बाहर निकाल दें तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा ज्यादा, और अगर रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा नहीं हो पाएगा तो सॉल्वेंट वहीं पे रहेगा, तो वहां पर डाइल्यूटेड यूरिन बनने लगेगा। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, मोर डाइल्यूटेड यूरिन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नीट 2016, द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज। यहां पर ये पूछा है कि एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में सोडियम का कौन सा पार्ट जो है वो रोल प्ले करता है। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, बाउमन कैप्सूल और डिसेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ एले। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, वो तुरंत देखते हैं कि डीसीटी के अंदर हमने देखा था कि वहां पर लिखा हुआ था कि सोडियम आयन जो रीअब्जॉर्प्शन होता है, बट वहां पर आपने क्या ध्यान से नहीं पढ़ा, वहां पर आपने ये नहीं पढ़ा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, बट पीसीटी के अंदर लिखा था 70-80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जो 80% इलेक्ट्रोलाइट्स है वो कहां पर रीअब्जॉर्ब होते हैं, पीसीटी के अंदर। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आपका जो है वो आंसर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो नीट 2017 की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए कौन सी होगी। ऑप्शन देख लीजिए, द डिसेंडिंग लूप ऑफ एले इज इंपरमिएबल टू वाटर, द असेंडिंग लिंप लूप ऑफ एले इज परमिएबल टू वाटर, द डिसेंडिंग लिंप लूप ऑफ एले इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, द असेंडिंग लिंप लूप ऑफ एले इज इंपरमिएबल टू वाटर। आप एक वाला याद रखो, डाई यानी डिसेंडिंग जो है वो इंपरमिएबल होनी चाहिए, और किसके लिए होनी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ऑप्शन ए देख लेते हैं, डिसेंडिंग डाई से डी, डिसेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ एले इज इंपरमिएबल टू वाटर, नहीं तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइट होता तो ये करेक्ट होता, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ओके, बी में चलते हैं, द असेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ एले इज परमिएबल टू वाटर। असेंडिंग जो है वो परमिएबल इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, डिसेंडिंग में इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंपरमिएबल थी तो असेंडिंग में इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल हो जाएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी देख लेते हैं, द डिसेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ एले इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, डी IE impermeable है तो यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी देख लेते हैं, द असेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हेले इज impermeable टू वॉटर, जी हाँ बिल्कुल सही है, यह हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं नीट 2019 में जो उड़ीसा स्टेट के लिए आपका एग्जाम हुआ था, वहां पे से आया हुआ क्वेश्चन है। मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम पार्ट इन नेफ्रॉन विद देयर फंक्शन। क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉलम में दिया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, प्रॉक्सिमल असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिस्टिल कन्वर्टिव, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयन, वाटर एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले बात करते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो डिसेंडिंग हमने क्या याद रखा, डाई याद रखो बार बार, डिसेंडिंग जो है वो इम्परमिएबल है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो उसका तो रीअब्जॉर्प्शन होने का नाम ही नहीं बनता, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो वहां पे रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है किसका, वाटर का। तो फर्स्ट हमारा चला जाएगा सेकंड के साथ। चलिए
प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ आयन, वाटर एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, फर्स्ट सेकंड हमारा चला जाएगा फोर्थ के साथ। असेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ एनले, असेंडिंग जो है उसके अंदर जो है वो आपकी परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट हो जाएगा, थर्ड हमारा फर्स्ट के साथ आ जाएगा। डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन, जो हमने डीसीटी पढ़ा था उसमें एनसीईआरटी में यही लाइन लिखी हुई थी सबसे पहले, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर टेक प्लेस, तो बिल्कुल आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा इसका। तो हम देख लेते हैं ऐसा कौन सा है, फर्स्ट हमारा जो है वो किसके साथ जाना चाहिए, सेकंड के साथ, उसके बाद जो सेकंड है वो हमारा फोर्थ के साथ, थर्ड फर्स्ट के साथ, और फोर्थ थर्ड के साथ हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो ये सब कुछ था इस वीडियो को लेकर, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।